नमस्कार। ये बेहद ही बेहद खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं और इस खूबसूरत चीज के बाद एक और खूबसूरत चीज आपके सामने आने वाली है। हाय, दिस इज लकी 104.8 एफएम पर आपके साथ हर शाम मैं होता हूँ 5 से 9। और अभी शाम होने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा व्हाई नॉट इन्वेस्ट दिस टाइम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये सही होना बड़ा जरूरी है आज की डेट में, एंड टाइम इन्वेस्टमेंट साथ ही साथ आपका पैसा इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड दिस इज वेयर आई एम, गोल्डन आई जो आप देख रहे हैं, दिस इज इन नोएडा एक्सटेंशन और कमाल का प्रोजेक्ट है। मैं अभी अंदर देख के आया हूँ और अब बाहर आके आपको थोड़ा सा माहौल इसके बारे में बताने वाला हूँ, अ लिटिल रिव्यू अबाउट द प्रॉपर्टी जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल एक हब है जहां पे रिटेल शॉप्स भी होंगी, जहां पे ऑफिस स्पेसेस भी हैं, एंड दे वेरी लार्ज। मतलब ऐसा नहीं है कि दुकान में आप घुसे और है ये तो खत्म होगी, नहीं, दे आर क्लेमिंग दैट दे आर द फर्स्ट वंस टू गिव अ लार्ज रिटेल स्पेस टू द इन्वेस्टर्स, टू द रिटेल शॉप ओनर्स। एंड इसके बारे में और हमें जानकारी देने के लिए यू नो वी नीड टू हैव एन एक्सपर्ट इन द हाउस, सो वी हैव एन एक्सपर्ट इन द हाउस, दैट इज हेमंत, ही इज द GM सेल्स गोल्डन आई। हाय हेमंत, हाउ आर यू? तो ये बहुत जच रहे हैं, है ना, और हमने इनको बताया था यार कि हमारी जनता जो है ये तैयार तूर होके बैठती है, हम भी तैयार तूर होके आ जाते हैं यहाँ पे, और ये प्रोजेक्ट कब तैयार होने वाला है इसके बारे में हम इनसे पूछने वाले हैं। सो एज यू से हेमंत दैट गोल्डन आई ये फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन में बिलीव करती है, सो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, हाउ डिफरेंट इज द कंस्ट्रक्शन स्पीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट इफ यू कंपेयर इट विद सम अदर प्रोजेक्ट? श्योर, मैं आपको बताता हूँ, गोल्डन आई प्रोजेक्ट वी हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन दिसंबर 2019। जैसे कि आप देख रहे होंगे मार्केट में ट्रस्ट बहुत कम हो गया है बिकॉज प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता है। हमने दिसंबर 2019 से स्टार्ट करके आज के डेट हम दिसंबर 2021 में है, वी हैव कंस्ट्रक्टेड मोर देन 18 लाख स्क्वायर फीट इन दी शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। 2 साल में इतना फास्ट कंस्ट्रक्शन अभी तक किसी डेवलपर ने नहीं किया, दैट्स वाई वी आर क्लेमिंग दैट वी आर दी फास्टेस्ट वन। सो दैट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द बिल्डर। कई बार क्या होता है, बिल्डर कहता है यार मैं अभी से बना के रख दूं, पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, बट दे हैव दैट कॉन्फिडेंस इन themselves दैट 18 लाख स्क्वायर फीट दे हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड सिंस दिसंबर 2019। मतलब जुम्मा 2 ही साल हुए हैं, 2 साल में इतना स्पेस बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, इतनी, मतलब आई वुड ऑल्सो अप्रिशिएट, क्योंकि इतना मतलब पीछे टाइम काफी खराब रहा सभी के लिए, बट उस टाइम पे भी यू नो आपने कोशिश करी जब जब मौका मिले कंस्ट्रक्शन करें एंड जितने लोग हमको रोजगार मिले, क्योंकि अगर 18 लाख स्क्वायर फीट जगह बनी है तो अपने आप तो बननी गई है, उसके लिए बनाने के लिए लेबर लगी है, मजदूर लगे हैं, बहुत सारी फैमिलीज जो डिपेंडेंट रही हैं इनके ऊपर, सो दैट्स कमेंडेबल दैट यू हैव डन दैट। एंड अब हम बात करेंगे जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सो जैसे कहते हैं ना वो सनी पाजी का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, ऐसे में 25 पे 25 चल रहा है, मतलब 25 का क्या माजरा है, ये 25 एकड़ की जगह है, राइट, 25 एकड़ विच इज ह्यूज, एंड यहाँ पे 25 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो 25,000 आपको मंथली रिटर्न मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, तो 12% का अश्योर्ड आपको रिटर्न मिलता है, एंड दैट इज ऑल्सो थ्रू अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं यार, पता नहीं कौन से बैंक से होगा, कहीं हमारे साथ घपला ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं लोचा ना हो जाए, सो दैट अश्योरिटी हैज बीन गिवन, राइट। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में, एज आई सेड, कि ट्रस्ट बहुत कम था मार्केट में, एक तो कंस्ट्रक्शन टाइमली नहीं हो रहा था, बायर्स वैसे ही परेशान थे, सो प्रमोटर्स जो है वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे क्लाइंट्स हैं। वो ये बोलते हैं कि हमें क्लाइंट को खुश रखना है, आप माल बनाइए, माल अपने आप बिकेगा अगर आप अच्छा माल बनाए। सो हम एक मार्केट में नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम फास्टेस्ट तो हैं, उसके अलावा क्या हम ट्रस्ट और दे सकते हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट फॉर आर क्लाइंट। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, यू नीड टू पे अ लिटिल अटेंशन टू दिस। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या, थोड़ा सा क्लोजअप थोड़ा देखिए इनका, थोड़ा आवाज क्लियर आनी चाहिए। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट हम अपने बायर्स को दे रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उन्होंने हमारे यहाँ मान लीजिए 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, हर महीने उनको उस पर जो रिटर्न आ रहा है 12% का, 25,000 रुपए महीना, दैट इज कमिंग फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक, विच इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, जिससे मार्केट में ट्रस्ट और बढ़ता है, हमारे इन्वेस्टर सेफ रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये प्लान हमने इंट्रोड्यूस किया था 2019 में ही, 2019 से लेके आज तक हमारे किसी भी बायर का कोई भी EMI ना तो लेट हुआ है,
ना वो बाउंस हुआ बिकॉज नेशनलाइज्ड बैंक इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस जिसमें 0% टॉलरेंस है. सो जिसने भी हमारे साथ इन्वेस्ट किया है दे आर वेरी हैप्पी, दे आर राइटिंग एप्रिसिएशन ईमेल टू अस. आपने बीच में देखा हुआ कोरोना टाइम में काफी इफेक्ट हुआ था, लोगों की जॉब्स चली गई थी, बहुत डाउनफॉल आ गया था, बट उस टाइम पे भी दे वर गेटिंग देयर रिटर्न्स ऑन टाइम जिससे मार्केट में बहुत ट्रस्ट हुआ. और हमारे रिपीटेड क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2019 में इन्वेस्ट किया था, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन आवर प्रोजेक्ट क्योंकि वो भरोसा हमने उनको दिया. फैंटास्टिक. और एक और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये कहीं ऐसे उजाड़ जगह पे नहीं है. बहुत लोगों को ये होता है यार वहां हम रिटेल शॉप अगर बनाए, अगर जनता ही नहीं है सामान लेने के लिए तो रिटेल शॉप बनाए करेंगे क्या. बट अगर आप एक बार ऐसे कैमरा घुमाएंगे तो यार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि अपकमिंग, पीपल आर ऑलरेडी लिविंग. यहाँ पे MNCs भी हैं बहुत सारी, यहाँ पे IBM भी है, यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, राइट. और इसके पीछे अगर आप देखेंगे इसके पीछे देर आर मेनी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स एज वेल. तो एक ये भी अश्योरिटी हमें मिलती है कि अगर हम यहाँ पे अपनी दुकान डालते हैं सो दे वुड बी अ गुड फुटफॉल, राइट. So let me talk about the location. It's a very strategic location. My project is very close to a landmark called Kisan Chowk. Kisan Chowk, yeah. So it is very close to Kisan Chowk. यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हैं habitation, residential की मैं बात करूँ, it is surrounded by residential projects जो deliver हो चुके हैं. People are living there. जैसे आपने बोला कि अगर मैं यहाँ पे कोई commercial project लेता हूँ, कोई retail खोलता हूँ, तो आज की डेट में एज इफ नाउ इस एरिया की डिमांड है उस रिटेल. इट्स नॉट कि आज मैं बना लेता हूँ और डिमांड पूरी होगी दो साल बाद. आज की डेट में इस पूरी बेल्ट में इस तरीके का प्रोजेक्ट नहीं है जो हमारे रेजिडेंशियल जो रह रहे हैं उनको केटर कर सके. मतलब यहाँ से लोगों को स्पेशली अट्टा जाना पड़ता है या दूर किसी मार्केट में जाना पड़ता है. किराने का सामान तो हर जगह मिलता है, बट देयर मेनी XYZ थिंग्स जिसके लिए आप बच्चे की अगर पढ़ाई के लिए, अगर स्टेशनरी की मैं बात करूँ, अच्छी स्टेशनरी शॉप अगर आप ढूंढने जाएंगे, जैसे जैसी डिमांड स्कूल में आती है कि पेरेंट्स को ये लेकर आना ये लेकर, तो वो सब नियर बाय नहीं मिलती, आपको दूर जाना पड़ता है. तो उसके लिए यहाँ पे जो है सब तरह का माहौल मिलेगा. ऑल द शॉप्स वुड बी हियर एंड दैट इज व्हाई आल्सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट. यस, रिटेल का एक USP हमारे यहाँ क्या है कि वी आर दी डेवलपर जो रिटेल की सीलिंग हाइट 20 feet के दे रहे हैं. सो विच इज वेरी रेयर इन दिस लोकेशन. एंड वी आर दी ओनली डेवलपर जो इस एरिया में 4,722 स्क्वायर फीट का रिटेल स्पेस दे रहे हैं विदाउट एनी पिलर इन बिटवीन. इट्स अ क्लियर स्पेस. मतलब ये तो जैसे एक बड़ा आप कहीं सुपर मार्केट में जाते हैं जब आप, तो वहां पे आपको शायद इतना स्पेस मिलता है. जी, हमने इस चीज को बड़ा ख्याल रखा है कि नोएडा एक्सटेंशन में अगर मैं बात करूं तो बड़े ब्रांड्स अभी बहुत ज्यादा नहीं आए. कहीं ना कहीं उनका एक वो था कि भाई इतने बड़े शोरूम्स यहाँ पे छोटी जगह में क्या करें. जी, बट हमारे यहाँ पे इतनी डिमांड है, हमारे यहाँ डेली ब्रांड्स पूछते हैं कि क्या हमें वो जगह मिल सकती है. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट चेंज करने का एक हमने तरीका अपनाया था क्योंकि डेफिनेटली इतना रेजिडेंशियल लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी डिमांड है फॉर दी बिग शोरूम. उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज को बनाया. मेरे यहाँ और भी डिटेल है, सबकी हाइट 20 फीट की हाइट है. वी आर गिविंग कम्फर्ट टू दी बायर्स ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग, वी आर दी ओनली डेवलपर इन दिस लोकेशन जिसका फूड कोर्ट इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, विच इज वेरी रेयर. नहीं तो टॉप फ्लोर पर. करेक्ट. सो द कॉन्सेप्ट इज कि फूड कोर्ट ग्राउंड फ्लोर पे होने का मकसद ये रहता है कि आपका मन किया कुछ खाने का, आप उठेंगे सोचेंगे पहले मैं जाऊंगा मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करूंगा, फिर जाऊंगा, फिर मतलब छोड़ो मैं होम डिलीवरी कराऊंगा. हमारा फूड कोर्ट ग्राउंड फ्लोर पर देने का मकसद ये है कि लोग अपने घर से निकलें, अच्छे ब्रांड्स जहाँ पे अवेलेबल हो, पार्किंग की जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो. आई टेल यू, हमारा जो स्पेस है वहाँ पे 1200 गाड़ियों की पार्किंग, एज इफ नाउ वी आर गिविंग इट फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. जो लोग फूड कोर्ट में आना चाहते हैं वो अपनी गाड़ी पार्क करें, ग्राउंड फ्लोर पे फूड का इंजॉय करें एंड दे कैन गो बैक टू देयर. मुझे तो लग रहा है तो समाज सेवा नहीं हो रही है. आप इतना अशोर्ड मंथली रेंटल दे रहे हैं, आप ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट दे रहे हैं कि कोई भी आए और खाए, और शॉपिंग करनी है करें, नहीं करनी ना करें, दे हैव द चॉइस. मतलब उनके लिए ये लिमिटेशन ये कि उनको पहले पार्किंग करनी है, फिर क्योंकि घर का माहौल ऐसा होता है ना, जब गए हैं मॉल में तो यार थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं उसके बाद खा पी लेंगे,
है ना, तो अगर किसी का मन नहीं है शॉपिंग का तो वो खाना वाना खा के वापस भी जा सकते हैं, बट देन व्हेन यू से दैट बिग शोरूम्स आर गोना बी हियर, सो नाउ यू डोंट हैव टू गो टू बिग मॉल्स व्हिच आर प्रीटी फार अवे, है ना, एंड यू डोंट हैव टू गो टू दिल्ली, अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ दिल्ली वाले यहाँ पर आएंगे जब इतने बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ पे होंगे, सो इसकी आप थोड़ा सा दूर से देखिए कितना ह्यूज है ये, सो 25 एकड़, मतलब ये उधर से शुरू हो रहा है, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये उधर से शुरू हो रहा है और ये पूरा यहां तक, एंड ये 4 फ्लोर्स ऊपर के हैं, 20 फीट इसकी हाइट होगी, एंड नीचे जो इसकी लॉबी होगी आई थिंक जो फूड कोर्ट होगा दैट इज ऑफ डबल हाइट, तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो 120 फुट के आसपास इसकी ऊंचाई है, सो दिस इज बिगर देन, आई मीन मॉल्स वॉल्स होते हैं बट ये जब आप इतना चौड़ी कोई चीज देखते हैं जिसके आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सो वो एक अपने आप में बड़ा एक कमाल का व्यू देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप आधे कुछ तो उसकी लोकेशन देखे हो जाते हैं, सो इसकी लोकेशन बड़ी कमाल है, एंड यू कैन सी यहाँ पे दिस लॉट ऑफ मूविंग ट्रैफिक ऑल्सो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फुटफॉल नहीं होगा, बहुत फुटफॉल होगा, एंड आई थिंक इट इज द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर एनीबडी हु इज प्लानिंग फॉर अ रिटेल शॉप, एंड इसके अलावा ऑफिस स्पेसेस भी है इसके पीछे, आई थिंक 11 फ्लोर उसमें भी, तो 11 फ्लोर्स के ऑफिस स्पेसेस भी हैं जिसके बारे में अभी हमें थोड़ा और बताएंगे। हमारे यहाँ पे रिटेल के अलावा लॉकेबल ऑफिस स्पेस भी हैं, बहुत सारी डिमांड है इस नोएडा एक्सटेंशन की कि हमें सेल्फ यूज के लिए ऑफिस चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए हमने ऑफिस स्पेस लॉकेबल बनाए हैं जिसमें 400 स्क्वायर फीट का 325 स्क्वायर फीट का भी है, सो बेसिकली हमने जो कॉन्सेप्ट रखा है वो ये रखा है कि नीचे मेरा रिटेल है उसके ऊपर लॉकेबल ऑफिसेज हैं 4 फ्लोर के, आप यहाँ पे आए अपना ऑफिस यूज करें, खाने के लिए फूड कोर्ट है, शॉपिंग करने के लिए रिटेल स्पेस है, सो इट्स अ ITIDS लैंड, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, वी आर दी ओनली डेवलपर इन नोएडा एक्सटेंशन जो SEO का कॉन्सेप्ट लेके आया है, शॉप कम ऑफिस स्पेस, आपने देखा होगा गुड़गांव फरीदाबाद में SEO का कॉन्सेप्ट है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग, नीचे रिटेल ऊपर ऑफिस, सो वी आर दी ओनली वन एज एफ नाउ इन नोएडा एक्सटेंशन जो बना रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड द स्ट्रक्चर, वो हमारे सेकेंड फेज का पार्ट है पर हम उसी कंस्ट्रक्शन अभी कर रहे हैं, वी हैव नॉट स्टार्टेड सेलिंग इट बट वी हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, एंड ऑल्सो जून 2022 में ये लोग फर्स्ट फेज का पोजेशन भी देने वाले हैं, और एक और चीज जो अभी इन्होंने बोली कि नीचे रिटेल ऊपर ऑफिस स्पेस, तो मैं थोड़ा सा टीजर आपको दे देता हूँ कि जब सब कुछ हो गया तो घर भी क्यों नहीं दे देते हो, हमारे पास इसमें घर भी मौजूद है, घर भी है इसमें, वी हैव स्टूडियोज 1 bedroom and 3 bedroom अपार्टमेंट्स, बिकॉज बहुत नेसेसिटी है, बिकॉज ये मेरा IT स्पेस है, मेरे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी के रहेंगे, CXO लेवल के लोग जब यहाँ पे आएंगे फॉर अ मीटिंग, दे वांट टू नीड सम प्लेस टू स्टे, सो उनको ध्यान में रखते हुए वी हैव स्टूडियो, बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो है, इट्स अ फर्निश स्टूडियो ऑफ 550 एंड 610 स्क्वायर फीट का विद डबल हाईटेक लॉबी, सो हमने जो भी बनाने की कोशिश की है या प्रमोटर्स ने हर चीज को बहुत बारीकी से देखा हुआ है, उन्होंने हर चीज को अपने दिमाग में रखा हुआ है कि मैं अपने बायर्स को हर एंगल पे खुश रहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कि मैं रिटेल बहुत अच्छा बना के दे रहा हूँ तो मैं रेसिडेंशियल में थोड़ा सा कंजूसी कर लूँ, या आप मेरे कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेआउट, इट्स सुप्रीम, वी आर द टॉक ऑफ द टाउन, व्हाई, बिकॉज वी आर द फास्टेस्ट, आज मार्केट में जो बातें हमारी हो रही हैं वो हमारे रिटेल स्पेस के लेआउट से ज्यादा कहीं बातें हो रही हैं कि इतनी फास्ट कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकता है, बिकॉज लोगों का माइंडसेट हुआ करता था कि एक प्रोजेक्ट आ रहा है तो हाँ अभी 5 साल में डिलीवर होगा, नॉर्मली वी हम इस ट्रेड में हमारा भी माइंडसेट ऐसे ही हो रहा है, बट यू नो आफ्टर कमिंग टू दिस ग्रुप दिस प्रोजेक्ट हमारा माइंडसेट डिफरेंट हो गया है, आज हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हम टाइमली डिलीवर करेंगे और उतना कॉन्फिडेंस है कि शायद हम टाइम से पहले डिलीवर करेंगे, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी वॉन्ट टू यू नो इंट्रोड्यूस इन द मार्केट कि भैया ऐसा नहीं है कि हर चीज 5 साल या 7 साल में ही डिलीवर, हमें प्रमोटर्स ने ठाना था हम टाइमली डिलीवर करेंगे, उसके लिए चाहे प्रमोटर्स ना बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते सेल्स पे, वो ये बोलते हैं कि भैया मेरा पूरा फोकस है कंस्ट्रक्शन पे और मेरा पूरा फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो उनको चाहिए वो उनको मिले, एक्चुअल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो उसको हम बहुत ध्यान में रखते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, चप्पल पहनो या जूते पहनो कुछ भी पहनो
और जल्दी से यहाँ पे आओ, जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन बिकॉज दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू. अगर आप नोएडा के आसपास कहीं भी हैं तो आप अभी भी आ सकते हैं, है ना. एंड जस्ट टेक अ लुक, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग, बहुत कमाल की इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको अश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है, नेशनलाइज बैंक से मिल रहा है. 25 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 25,000 का रिटर्न, यार ये कोई छोटी बात नहीं है. एंड पीपल आर गेटिंग इट ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी मेनी सैटिस्फाइड कस्टमर्स, सो यू कैन बी वन ऑफ देम. एंड एक बार वापस बताता हूँ, गोल्डन आई जो कि किसान चौक से बहुत पास है, मतलब यहाँ से आप सीधा निकलेंगे तो किसान चौक के गोल चक्कर पहुंचेंगे, वहां से लेफ्ट लेके आप सीधा आई थिंक 18 की तरफ पहुंचेंगे, नोएडा की तरफ पहुंचेंगे. सो कनेक्टिविटी बहुत कमाल है, कंस्ट्रक्शन बहुत कमाल है, सब कुछ ही कमाल है ना. हेमंत भाई बड़े कमाल है, बड़े ब्रीफली इन्होंने सब कुछ बातें कह दी. आई थिंक 50-60 बातें इन्होंने कह दी हैं, तो अगर आपको 5 भी अच्छी लगी हो तो दैट इज वर्थ इट, है ना. कम एंड जस्ट एक्सप्लोर इट, यू नॉट गोना बी डिसअपॉइंटेड, राइट. थैंक यू सो मच, टेक केयर.